तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं ब्लॉग ले गई हूँ बहुत टाइम के बाद। और आज के ब्लॉग में आप देख सकते हैं हमारे घर में आई कौन? हमारी अनन्या। और आप जानते होंगे ये वैसे तो ये मतलब आ गई है, 2-4 दिन हो चुका है, लेकिन मैं ब्लॉग्स नहीं डाल पा रही थी क्योंकि पता ही है बहुत सारा काम हो गया था इनके आने के बाद में। और आप देख सकते हैं ये कितनी शैतान है। और ये क्या बोल रही हैं, जरा बोलो अन्नू, जरा बोलो कि आप लोग कैसे हो? तो ये कर रही है पढ़ाई, और ये छोटी सी सिस्टर है ये भी कर रही है पढ़ाई। और मैं जा रही हूँ चावल बनाने के लिए, राइस बनाऊंगी। और सब्जी सब बन गया है क्योंकि आप सब भी जानते होंगे जैसे कि नवरात्रि आ रहे हैं, हमारे 22 तारीख से नवरात्रि स्टार्ट हैं। तो भाई बहुत सारी साफ़ सफाई होती है, मंदिर की साफ़ सफाई होती है, घर की साफ़ सफाई होती है, बहुत कुछ होता है। तो वो सब मैंने तो वो सब सारा करने के बाद में अब मैं जा रही हूँ चावल बनाने के लिए। ये तो ठीक है। तो फिर चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं चावल बनाती हूँ, फिर इसके बाद मिससे मैं आपको बहुत सारी बातें करवाऊँगी, ठीक है? तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ चावल बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो कि सब्जी वब्जी हमारी बन चुकी थी, तो यहाँ पर मैं जा रही थी नाप के, मैं कटोरी में यहाँ पर चावल ले रही हूँ, बट थोड़े से ज़्यादा हो गए थे। फिर मैंने बाद में क्या क्या किया था कि चावल थोड़े से इसमें कम कर दिए थे। तो जैसा कि आप चावल देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने चावलों को अच्छे से धो के साफ़ करके, तो यहाँ पर मैंने चावल के अनुसार ही पानी डाला है। और इसके बाद मैं कर दूँगी कुकर को बंद, ठीक है? और तो ये हमारा को ये देखिए आप देख सकते हैं कि पानी हो गया है, मैंने डाल दिया है, ठीक है? और ये मैंने कुकर भी बंद कर दिया है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। क्योंकि मैंने चावल थे वो मैंने रख दिया, गैस ऑन कर दिया है, सब कुछ कर दिया है। और ये हमारी छोटी मैडम है, हाय बोल दो। हाँ, और ये देखो ये बहुत बोलती है। और इसका आपने लैपटॉप वाला एक वीडियो देखा होगा, उसमें कैसे कह रही है लैपटॉप को क्या बोलते हैं? नो, लैपटॉप बोलते हैं। ये इस तरीके से ही बोलती है क्योंकि भी छोटी है। और ये बहुत ज़्यादा ही शैतान है। और ये देखिए ये पढ़ाई कर रही हैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा शैतान है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अब ये जो नवरात्रि के जो ब्लॉग है ये डेली आया करेंगे, तो आप लोग ब्लॉग को पूरा देखना एंड एंजॉय करना, ठीक है? तो अब फुल ब्लॉग भी आया करेंगे, ठीक है? ये बहुत शैतान, ठीक है? तो ब्लॉग अब 9 दिन तक के मतलब डेली आया करेंगे, ठीक है? और मैं शॉर्ट वीडियो भी मैं डालती, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिया करें। और मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ में मैं अपने ब्लॉग्स में अच्छे अच्छे में शेयर करूँ, लेकिन बताऊँ मुझे ब्लॉगिंग आती नहीं है, बट मैं कोशिश अपनी पूरी करती हूँ। तो वही मैं छोटी सी कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। तो वहाँ पर हमारे बन रहे हैं चावल, जब तक कि सोचा कि आप सबसे मैं बातें करूँ। और इसकी शैतानी देखो, आप इसकी शैतानी देखो, ये बहुत शैतान है, इसकी पिटाई लगाएगी है ना? तो आप लोग बताना ये शैतान है कि नहीं है, ठीक है? तो चलिए, तो फिर मैं चावल हमारे बस तैयार होने वाले हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। जब तक फिर अन्नू के साथ मस्ती करने के बाद फिर मैं यहाँ पे खाना परोसने के लिए जा रही हूँ, जो कि हमारे 2 बज चुके थे खाना बनते बनते। और उसके बाद 2 करीब के आसपास ही हम सब ने खाना भी खाया था। तो यहाँ पर हमने बनाई थी पालक पनीर दाल, और यहाँ पे हमने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, जिसको कौन से आलू बोलते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन जो एकदम साबुत आलू होते हैं ना एकदम, तो वही वाले आलू थे। तो यहाँ पर मैंने सबके पे दाल रखी है, लेकिन पता है क्या है ना, दाल के साथ हमेशा चावल तो होने ही चाहिए, ठीक है? लेकिन फ़िलहाल मैं चावल नहीं खा रही हूँ अभी, तो मैं अपने लिए चावल नहीं लूँगी, मैं सिर्फ रोटी ही लूँगी। और यहाँ पे मैंने सबके लिए यहाँ पे मैंने सब्जी भी डाल दी है अच्छी तरीके से। और जो ऐसा कि आप जानते हैं हमारी अन्नू आई है, बहुत मस्ती करती है, बहुत ही ज़्यादा शैतान भी है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी बात करवाती हूँ। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा मिलकर मेरी अन्नू से। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम मैं जब कोई ब्लॉग डालूँगी तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप लोग देख पाएंगे। तो ये खाना परोस चुका है, और इसके बाद में फिर मैं जा रही थी, और यहाँ पे मैं अकेले ही पूरा ब्लॉग बनाती हूँ, तो मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, बट कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लेती हूँ।
तो आप सबके लिए ही करती हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। और यहाँ पे जो जैसा कि और जो मैंने चावल बनाए थे गरम गरम चावल, तो यहाँ पे मैं सबकी थालियों में मैं चावल रख रही हूँ अच्छी तरीके से। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर चावल रखने के बाद हम सब ने खाना खाया था। खाना खाने के बाद में फिर बहुत सारे काम हो गए थे, वो भी सारे निपटा के थोड़ी देर आराम करी थी। और जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि हमारे नवरात्रे आने वाले हैं, हमारे 22 तारीख से नवरात्रे, तो घर की सफाई होती है, बहुत सारे काम हो जाते हैं, बट वो मुझे करने ही है। और मैं बता दूँ, मुझे नवरात्रे मेरे बेस्ट फेस्टिवल है, जो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, मैं पूरे दिल से करती हूँ। और इसके बाद में हम सब ने खाना खा लिया था। और ये रही हमारी अच्छी मस्ती करती है, ये बहुत शैतान है, तो देखना ये कैसे करती है, ये बहुत मस्ती करती है, बहुत शैतान है। तो ये देखिए, ये हमारा प्रॉपर खाना है, तो आप लोगों से हम मिलेंगे खाना खाने के बाद। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने मतलब चाय खाना वाना खाने के बाद में, तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि कल तो है ट्यूसडे, ठीक है, कल है मंगलवार, कल है मेरा व्रत, और उसके बाद हमारे 22 तारीख से हमारे हैं नवरात्रे। तो ऑलमोस्ट आप समझ लें कि 30 तारीख तक की तो मतलब मेरा फास्ट चलेंगे। और मंगलवार को क्या नाम है, आईब्रो बनवा नहीं सकते क्योंकि हमारे में बनवाते नहीं है मंगल, है ना, तो इस वजह से मैं आज गई थी, तो आज मैं बनवा के आई हूँ आईब्रो। तो आप लोग देख सकते हो, आप लोग बताएगा कि आप लोगों को कैसी लगी, ठीक है। और ये जो आप फेस पैक देख रहे हैं, ये लगाया है मैंने नीम का फेस पैक। तो जैसा कि मैंने आप सब ने मेरी वीडियोस देखी होंगी, तो मैं बताती हूँ कि जो नीम जो होता है हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो वैसे ही हमारा जो नीम का जो फेस पैक होता है वो हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा रहता है। वो ऐसे रहता है, देखिए, हम अगर किसी के फेस पे मुहासे हो रहे तो वो प्रॉब्लम हमारी दूर हो जाती है। अगर किसी के ना मुझे कील टाइप की होती है ना, तो वो सारी गंदगी जो होती है वो सारी बाहर निकल जाती है, और वो जो छेद होते हैं ना वो एकदम बंद हो जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि अगर आपके झाई फेस पे है, तो ये जो नीम आपका फेस पे आप देख रहे हैं, ये दूर करने की क्षमता रखता है, ठीक है, और आपके फेस को अच्छा एंड टाइट एंड क्लीन स्किन रखता है, और ऑयली फ्री रखता है, ठीक है। तो ये आप जो देख रहे हैं ना, तो यहाँ का जो है कि मेरा छूट गया है, वो मेरी छोटी है ना, तो आपने देखा होगा मेरी अन्नू को, तो उसने किया था, तो उसी वजह से ये यहाँ से निकल गया था, ठीक है। और जो एक पैकेट में हम दो बहनों ने लगाया, मैंने उसके लगाया, थोड़ा बहुत बच गया था, वो मैंने अपने भी लगा लिया, ठीक है। तो आप लोगों को मिलूँगी थोड़ी देर में, जब तक के लिए बाय बाय।